लोकसभा चुनाव में इस बार सबकी नजर बिहार के बेगूसराय पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां सीपीआई से कन्हैया कुमार हैं और चुनाव प्रचार का एक अलग ही रंग वहां पर देखने को मिल रहा है, जो रंग अक्सर लेफ्ट के चुनाव प्रचार में देखने को मिलता है वो वहां तो देखने को मिल रहा है, लेकिन वो रंग अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है और ये रंग और कहीं नहीं बल्कि बीजेपी में भी। इस वक्त हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हैं और यहाँ पर देखिए एक टीम है जो अपने ही अंदाज में चुनाव प्रचार करती है, जो बांसुरी ढोलक और एक गीत तैयार किया है जिसको लेकर जनता के बीच जाएगी। मांग थी कुछ नया होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक का पार्ट टू अब होना चाहिए, इसलिए तो कहते भैया मोदी लाना है देश बचाना है, मोदी लाना है देश बचाना है, मोदी लाना है देश बचाना है। आतंकवाद के खिलाफ इसी कदम ने, आतंकवाद के खिलाफ इसी कदम ने दुनिया को सहाराया है। पाक के साथ चीन था पर अब भारत के साथ आया है। मोदी लाना है देश बचाना है, मोदी लाना है देश बचाना है, मोदी लाना है देश बचाना। देश के विकास के लिए मैं भी एक छोटा सा भागीदार हूँ, हाँ हाँ मैं भी एक चौकीदार हूँ, मैं भी एक चौकीदार हूँ, मैं भी एक चौकीदार हूँ। मोदी लाना है देश बचाना है, 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 मोदी लाना है देश बचाना है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये देखिए एक प्रचार का अलग रंग है, अलग तरीका है और इसी रंग और तरीके के साथ और तमाम वो बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही जुबान से कहते रहे हैं, चाहे वो आतंकवादी घटना हो और पाकिस्तान के खिलाफ किए गए सर्जिकल स्ट्राइक हो और मैं भी चौकीदार का एक अभियान हो, तो इन तमाम बातों को इस प्रचार में समाहित किया गया है और इन्हीं बातों को लेकर ये तमाम कलाकार जनता के बीच जाएंगे और अपने ही अंदाज में संदेश देंगे। रांची से सनी सारत की रिपोर्ट।